अब ये समझो कि सनातन क्या है। अब यहां पर बात आती है, सनातन क्या है। अब तक आप लोग ये कहते हैं सनातन का मतलब जो सदा से है उसको आप सनातन मानते हैं, लेकिन ये आपकी व्याख्या अधूरी है, व्याख्या ठीक नहीं है। देखो इस धरती पर दो प्रकार के मत हैं, कुछ मत तो नए हैं और कुछ है पुराने। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो। ये हमारी कुछ बहनें बेटियां बैठी हैं उधर, वो मेरी बात को समझ रही है नहीं समझ रही। इस धरती पर दो प्रकार के मत हैं, कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमको किस मत को मानना चाहिए, नए को मानना चाहिए या पुराने को मानना चाहिए, बोलो किसको मानना चाहिए। अरे बोलो, पुराने को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए पुराने को? क्योंकि हम लोग एक बात सुनते चले आए कि जो पुरानी चीज होती है वो अच्छी होती है। लेकिन याद रखना ये बात, महर्षि दयानंद से लोगों ने पूछी, स्वामी जी आप किस मत को मानते हो, आप नूतन को मानते हो या पुरातन को मानते हो? नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ना तो मैं नूतन को मानता हूं ना मैं पुरातन को मानता हूं। लोगों ने कहा स्वामी जी आप नूतन को ना मानो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कम से कम पुरातन को तो मानो। पुरातन को क्यों नहीं मानते, पुरातन में क्या बुराई है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं एक बात बताओ, जो नूतन है वो भी कालांतर में पुरातन हो जाएगा, और जो आज पुरातन है वो भी कभी नूतन रहा होगा। इसलिए ना तो मैं नूतन को मानता हूं ना मैं पुरातन को मानता हूं। अगर आप ये कहेंगे कि पुरातन को मानना चाहिए तो इस्लाम को कितना समय हो गया, 1400 साल। तो क्या 1,00,000 वर्ष बाद हम इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे क्या, इस्लाम को मानने लग जाएंगे क्या? ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ कि जो पुरानी चीज है उसको मान लो। तो स्वामी दयानंद कहते हैं ये कोई पैमाना नहीं है। मैं नूतन को इसलिए नहीं मानता क्योंकि नूतन भी कालांतर में जाकर के पुरातन हो जाएगा और पुरातन भी कभी नूतन रहा होगा। इसलिए ना मैं नूतन को मानता हूं ना मैं पुरातन को मानता हूं, मैं तो सनातन को मानता हूं। अब लोगों ने कहा स्वामी जी ये सनातन क्या है, हम तो आज तक सनातन का मतलब ये समझते रहे जो पुराना वही सनातन है, जो सदा से चला आ रहा वही सनातन है। आप क्या मानते हो सनातन का मतलब, बोलो जी जवाब दो, सनातन का मतलब क्या मानते हो आप लोग? अरे बोलो कुछ तो जवाब दो, डरते क्यों हो? जो सदा से चला रहा है वो सनातन है। अच्छा सदा से कब से, बोलो जी, जब से सृष्टि बनी है तब से, ठीक है ना? और सृष्टि को बने कितना समय हो गया, 1,96,08,53,124 साल चल रहा है, 25वां साल 9 अप्रैल से लग जाएगा, है ना? यानी आपकी सृष्टि को बने लगभग 2 अरब वर्ष हो गए, तो आपका सनातन धर्म कितना पुराना हुआ, 2 अरब वर्ष। क्रिश्चियनिटी कितनी पुरानी है, 2000। इस्लाम कितना पुराना है, 1400 साल। तो फिर अंतर क्या रह गया भैया, तुम उनसे ज्यादा पुराने हो, ये कुछ नए हैं, अंतर क्या रह गया? तो याद रखना सनातन का मतलब जो सदा से तो है, पर सदा से कब से, जब से सृष्टि बनी है तब से नहीं, पता नहीं कितनी सृष्टियां बन चुकी हैं। सदा से मतलब हमेशा से, अनंत सृष्टियां बन चुकी हैं। सनातन का मतलब होता है अनादि। सनातन का मतलब क्या होता है, अनादि, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। और सनातन धर्म आपका कहां से निकला है, वेद से निकला है, वेद से। सुनो आपके धर्म ग्रंथ का क्या नाम है, वेद आपके धर्म ग्रंथ का नाम है, नोट कीजिए इस बात को, वेद आपके धर्म ग्रंथ का नाम है। और सनातन धर्म कहां से निकला है, वेद से निकला है। और बंधुओं वेद किसने लिखे बताओ, वेद किसने लिखे? आज एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में फैलाई जा रही है और वो हिंदू लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, ज्यादातर उन लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है जो हिंदू समाज के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। वो एक नई बात लेकर के चल रहे हैं, कहते हैं वेद केवल 5,000 साल पुराने हैं। वेदों को 5,000 साल पुराने बना रहे हैं। और वेद किसने लिखे, महर्षि वेद व्यास ने वेदों को लिखा। ये कौन बोल रहे थे, मोदी जी खुद बोल रहे थे इस बात को। देश का प्रधानमंत्री ऐसी अनाड़ेपन की बात कर दे तो बात समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वेदों को 5,000 साल हो गए, महर्षि वेद व्यास ने वेद लिखे। याद रखना आर्य समाज की मान्यता है और पुराने ऋषियों की मान्यता है। मोदी जी ने शायद पुराने ऋषियों को नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं कह सकता। राजनीति में एक्सपर्ट हैं, देशभक्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म में टांग नहीं अड़ानी चाहिए भाई। धर्म की जानकारी ना हो तो उसमें नहीं बोलना चाहिए। तो आप वेदों को केवल 5,000 साल पुराना बता रहे हो, वेदों को केवल महर्षि वेदव्यास का लिखा हुआ बता रहे हो, ये आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। अपने सिद्धांत को ठीक कीजिए। वेद महर्षि वेदव्यास ने नहीं लिखे, वेद तो बहुत पहले से,
वेद परमात्मा की वाणी है। याद रखना वेद को अपौरुषेय कहा जाता है और अपौरुषेय का मतलब होता है जिसको कि पुरुष ने नहीं बनाया। वेद किसी इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, कुरान इंसान के दिमाग की उपज है, बाइबल इंसान के दिमाग की उपज है और जिंदा अवस्था तौरे तंजील ये सारी इंसान के दिमाग की उपज है, लेकिन वेद किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि वेद परमात्मा की वाणी है। अब एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, भैया आए नौजवानों या तो आप लोग जाओ या बैठ जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी डिस्टर्ब मत करो। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है, आप लोग ये कहेंगे स्वामी जी वेद तो तभी तो हमको मिलते हैं जब सृष्टि की रचना की जाती है, परमात्मा के द्वारा जब सृष्टि की रचना की जाती है तब परमात्मा वेद का ज्ञान देता है, और प्रलय के समय में वेद का ज्ञान कहां जाता है? अब समझने वाली बात है। ऋषि दयानंद जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसका समाधान करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं वेद अनादि है। अनादि कैसे? वेद परमात्मा अनादि है। दुनिया में तीन तत्व अनादि है, ईश्वर जीव और प्रकृति। तो वेद को स्वामी दयानंद अनादि कैसे मानते हैं? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर के अनादि होने से वेद भी अनादि हो गया, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के साथ में रहता है। अब जब प्रलय अवस्था होती है तो वेद का ज्ञान परमात्मा के अंदर समाहित हो जाता है। जैसे कहते हैं बीज अंकुरवत, जैसे बीज के अंदर अंकुर पहले से समाहित होता है, समय आने पर वो बीज अंकुर का रूप धारण कर लेता है, एक वृक्ष का रूप धारण करता है और फिर वृक्ष एक अंकुर के अंदर एक बीज के अंदर फिर समाहित हो जाता है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं और अंदर जाती है, बाहर छोड़ते हैं और अंदर जाती है, उसी प्रकार से प्रलय के समय में वेद का ज्ञान परमात्मा के अंदर रहता है। और जब संसार का सृजन होता है तो जैसे श्वास शरीर से बाहर आ जाती है, उसी प्रकार से वेद का ज्ञान भी संसार में प्रस्फुटित हो जाता है, वो परमात्मा के अंदर से निकलता है। इसलिए वेद किसी इंसान ने नहीं लिखा, वेद परमात्मा की वाणी है और वेद ही सनातन है। सनातन का मतलब सदा से, और सदा से कब से? जब से संसार बना तब से नहीं, यानी हमेशा से। अच्छा रामायण को कितना समय हो गया जी, बोलो 9 लाख वर्ष। महाभारत को कितना समय हो गया? भागवत इन पुराण जो आपकी जो 18 पुराण माने जाते हैं इनको कितना समय हुआ है? ये पुराण तो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ये पुराण तो कोई 200 साल पुराना, कोई 250 साल पुराना है, ये पुराण तो सबसे ज्यादा नवीन है। तो समझने वाली बात, अब मुझे एक बात बताओ, सनातनी कौन? प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ है। जो व्यक्ति रामायण को माने वो सनातनी, या जो व्यक्ति वेद को माने वो सनातनी? तुलना कीजिए, मेरे दबाव में मत बोलिए आप लोग, तुलना कीजिए। जो व्यक्ति भागवत को माने वो सनातनी? अच्छा बताओ भागवत सनातन है या वेद सनातन है? रामायण सनातन है या वेद सनातन है? गीता सनातन है या वेद सनातन है? वेद सनातन का मतलब जो सदा से चला रहा है। भाई गीता तो अभी 5000 साल हुए हैं, महाभारत को 5000 साल हुए हैं, रामायण को कुल 9 लाख वर्ष हुए हैं, तो इनसे पहले तो वेद तो पहले से है ना। अब एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, आर्य समाज किसको मानता है? आर्य समाज वेद को मानता है ना, आर्य समाज की जो मान्यता वो वेद की मान्यता है ना, तो सनातनी कौन हुआ? आर्य समाजी हुआ या मंदिर में जाकर के जो टल्ली हिला रहा है वो सनातनी हुआ? भाई जो वेद की आज्ञा के अनुसार चल रहा है, जो वेद के सिद्धांतों को मानता है, वही तो सनातनी होगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हम आर्य हैं, सनातनी कौन हुआ? जो हिंदू कहलाने वाला सनातनी कहलाएगा या आर्य कहलाने वाला सनातनी कहलाएगा? बोलो जी जवाब दो, क्योंकि वेद के अंदर आपका नाम क्या बताया, हिंदू या आर्य? आर्य बताया गया है। तो जो वेद को लेकर के चल रहा है सनातनी वो है, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्वामी दयानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा, स्वामी जी हमारा अभिवादन क्या होना चाहिए? तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती को नया अभिवादन दे सकते थे, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं आपका सनातन अभिवादन बताऊंगा। लोगों ने कहा स्वामी जी का अभिवादन भी सनातन होता है? तो स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल, वेद में तुम्हारा जो अभिवादन बताया गया उस अभिवादन को मैं तुम्हें बताऊंगा। तो लोगों का वेद में हमारा अभिवादन क्या बताया गया है? स्वामी जी कह रहे हैं नमस्ते। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, नमस्ते का अभिवादन दुनिया को स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। अभी देश के गृह मंत्री इस बात को कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे मैं दुनिया में जहां पर भी जाता हूं जब लोग मुझे नमस्ते करते हैं तो मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की याद आती है, क्योंकि दुनिया को नमस्ते का अभिवादन देने वाला कोई महापुरुष था तो वो महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वामी जी ने कोई नया अभिवादन नहीं दिया, स्वामी जी ने वेद का अभिवादन दिया।
स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी हमारा नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद चाहते यदि उनका मत चलाने की कोई मंशा होती तो स्वामी दयानंद जी हमको नया नाम दे देते। मोहम्मद नया नाम देकर के चला गया मुसलमान, जीसस नया नाम देकर चला गया ईसाई, बुद्ध जो है नया नाम देकर चले गए बौद्ध का, महावीर स्वामी जैन का नाम देकर के चले गए। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती कोई मत पंथ चलाते तो वो भी कोई नया नाम दे जाते। लेकिन स्वामी जी कहते नहीं, मैं कोई नया नाम देने के लिए नहीं आया, मैं कोई पंथ चलाने के लिए नहीं आया, मेरा प्रयोजन किसी संप्रदाय को खड़ा करना नहीं है, मैं तो तुमको सनातन धर्म से जोड़ने के लिए आया हूं और तुम्हारा जो सनातन नाम है वही नाम मैं तुम्हें बताने के लिए आया। लोगों का हमारा सनातन नाम भी है क्या? स्वामी जी कहते बिल्कुल है। बोले क्या तुम्हारा सनातन नाम है? तो स्वामी जी कहते तुम्हारा नाम वेद के अंदर आर्य बताया है, है ना? वेद के अंदर कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे संसार को आर्य बनाना है, तो आर्य कहलवाने वाला सनातनी है या हिंदू कहलवाने वाला सनातनी? बोलो हाँ या ना, जवाब दो। आर्य कहलाने वाला सनातनी है ना, नमस्ते करने वाला सनातनी है या राधे राधे करने वाला सनातनी है? बोलो। अरे ये तो जवाब दे दो, कोई बहुत गहरे प्रश्न नहीं है, तो सरल से प्रश्न है। अच्छा बताओ मूर्ति पूजा कितनी प्राचीन है? मूर्ति पूजा कहां से चली? जैनियों से चली। स्वामी दयानंद लिख रहे हैं सत्य प्रकाश के अंदर। और जैनियों को कितना समय हो गया? 2800 साल। 2800 साल से पहले इस धरती पर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था। सुनिए बात, तो मूर्ति पूजा करने वाला सनातनी है जो परमात्मा को निराकार ब्रह्म मान करके उसकी ध्यान उपासना करने वाला सनातनी है, कौन सनातनी कहलाएगा? जो परमात्मा को निराकार मान करके संध्या वंदन करता है, पंचयज्ञ का अनुष्ठान करता है, वो सनातनी कहलाएगा। मूर्ति पूजा करने वाला सनातनी नहीं कहला सकता, पक्की बात है। अब आपको कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आज हमारे बहुत सारे भाई बंधु कहते हैं आर्य समाजी है और हम सनातनी है। अरे वास्तव में जो सच्चा सनातनी होता है वो आर्य समाजी होता है। बाकी आजकल जो हमारे सनातनी है ना, हमने इनको एक नया नाम दे दिया, नवीन सनातनी। ये नवीन सनातनी है, पुराने सनातनी जो प्योर जो ओरिजिनल सनातनी आपको मिलेंगे वो आर्य समाजी मिलेंगे। और ये जो है ना, ये टाली हिलाने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, नाचने वाले, कावड़ लेकर के जाने वाले, गंगा जी में डुबकी लगाने वाले, श्राद्ध करने वाले, ये सारे के सारे नवीन सनातनी है। ये पुरातन सनातनी नहीं, ओरिजिनल नहीं है। तो बात ध्यान से सुनने की है, बहुत गंभीर बात शायद मुझे लगी कि हमारी माताओं बहनों की बात समझ में आई नहीं भाई, इसलिए उठ करके चली गई। लेकिन जितनी भी बैठी हैं वो बात को समझ रही हैं तो आपका कार्यक्रम करना सफल हो जाएगा। हमको ज्यादा भीड़ से प्रयोजन नहीं होता, हमको ये है कि इस भीड़ में समझदार व्यक्ति कितने हैं जो हमारी बात को समझ पा रहे हैं और समझ करके इस बात को समझ करके समाज में प्रचार प्रसारित करें और अपने जीवन में आचरण में लाएं। ये बात महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शोर शराबा मत कीजिए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। बाकी अभी थोड़े समय में और बोलना चाहता हूँ, आप बात को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। मैंने अभी आपको एक क्लियरिफिकेशन किया कि सनातन क्या है। वेद सनातन है, वेद परमात्मा की वाणी है, जो वेद को लेकर चलता है वो सनातनी है। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति इस बात को माने कि हमने जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, एक व्यक्ति ये कहे कि गंगा जी में डुबकी लगाने से काम चल जाएगा या भागवत की कथा कराने से पापों से बच जाओगे, तो बोलो कौन सनातनी हुआ? जो वेद की बात माने वो सनातनी है या किसी पाखंडी की बात माने वो सनातनी है? हाँ या ना, जवाब दो। जो वेद की बात माने वो सनातनी है। अब मैंने आपसे 5-6 प्रश्न पूछे। आर्य समाज अपने आप को जो आर्य लिखते हैं, जो हालांकि हिंदू कोई अलग नहीं है, है ना, हम सभी आर्य थे, कालांतर में हमारे भाइयों ने हिंदू शब्द को स्वीकार कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति आर्य समाज में आ गया वो अपने नाम के आगे हिंदू नहीं लिखता बल्कि वो अपने नाम के आगे आर्य लगाता है, है ना? अब ये सोचिए, अब सनातन परंपरा को कौन मान रहा आर्य लगाने वाला? हमारा जो आर्य समाज का सदस्य होता है वो किसी मंदिर में जाकर के ताली नहीं हिलाता बल्कि सुबह शाम संध्या यज्ञ करता है, ये सनातन परंपरा है। हमारे आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति राम राम जी, राधे राधे, जय जय धन धन सतगुरु, है ना, जय जिनेन्द्र नहीं बोलता और जय दयानंद भी नहीं बोलता। हमारे आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति नमस्ते कहता है, नमस्ते सनातन परंपरा है। हमारे आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगाने से कर्मों से मुक्ति नहीं मांगता क्योंकि ये सनातन परंपरा है। वेद कहता है जो आपने कर लिया है
न किल विषमत्र नाधारो अस्ति नयन मित्र सममान मेति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्व पुनराविशाति। हमने जैसा पकाया है वो हमको खाना पड़ेगा। परमात्मा तो केवल परोसने का काम करते हैं, पकाने वाले तो हम स्वयं हैं। ये वेद का सिद्धांत है। तो आर्य समाज में कोई गुरु घंटाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे, कोई कहता हो भैया मेरे से माला ले जाओ, मेरे से ये ले जाओ तो तुम सारे पापों से बच जाओगे। नहीं बच पाओगे, जो करिया है उसको आपको भोगना पड़ेगा। ये सिद्धांत आर्य समाज मानता है। तो सनातनी कौन हुआ? विशुद्ध सनातनी हुआ आर्य समाजी। और हमारे पौराणिक भाई बंधु ये भी हैं सनातनी, लेकिन भूल गए सनातन धर्म को। तो याद रखना बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के कोई अपना नया मत नहीं चलाया, अपना कोई संप्रदाय नहीं चलाया। एक बात मैं आपसे और कह दूं, इस्लाम से मोहम्मद को हटा दो, इस्लाम के पास कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो मोहम्मद की दिमाग की उपज है। क्रिश्चियनिटी से ईसा मसीह को हटा दो, इनके पास भी कुछ नहीं है। जैनियों से महावीर स्वामी को हटा दो, इनके पास कुछ नहीं। बौद्धों से बुद्ध को हटा दो, इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि ये सारे पंथ हैं। और आर्य समाज से स्वामी दयानंद को हटा दो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा क्या? क्योंकि हमारे जो सिद्धांत हैं वो स्वामी दयानंद के सिद्धांत नहीं है। हमारे सिद्धांत वेद के सिद्धांत हैं। दयानंद तो केवल सिद्धांतों को बताने वाले हैं, वेद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाले दयानंद सरस्वती। इसलिए आर्य समाज का एक भी सिद्धांत ऋषि दयानंद का अपना सिद्धांत नहीं है, वेद का सिद्धांत है। और सुबह के सत्र में मैं एक बात कह रहा था, बड़ी गहरी बात मैं आपके बीच में कह रहा था। देखो इस समाज में बहुत सारे मतपंथ खड़े हुए, बहुत सारे कालांतर में जाकर के समाप्त हो गए, आने वाले समय में बाकी सारे ये समाप्त होने, ये बात पक्की है। चाहे आज कितना भी इस्लाम का बोलबाला हो, क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हो, एक दिन इन अन्यायियों का अंत जरूर होना है, पक्की बात। और आपस में लड़के मरेंगे, ये ईसाई और मुसलमान आपस में ही लड़कर के मरेंगे, क्योंकि दोनों ही शातिर हैं ये और दोनों ही हिंसक हैं। आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे।